हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया पे। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट समान ज्ञान का जो सीरीज चलाई जा रही है उसका टॉपिक है आज का महाजनपद काल। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एवं इसके पिछले वीडियो आप जरूर जाकर देखें। ये आज का थर्ड वीडियो है महाजनपद काल, इसके पहले भी दो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। आज का क्वेश्चन नंबर वन है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए। सूची वन में दिया हुआ है महाजनपद और सूची टू में दिया हुआ है इसका राजधानी, तो मैच कराना है। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी प्रमुख नगर, गंधार की प्रमुख नगर क्या थी? पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर का क्षेत्र था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इसका होगा बी का ए नंबर, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तीसरा क्या है? बत्स, बत्स जो है आधुनिक इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र में केंद्रित था। इलाहाबाद से 30 मील की दूरी पर कौशाम्बी जगह है जहां इसकी राजधानी थी, तो बत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। डी ऑप्शन है कौशल। कौशल का क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के आसपास है और इसकी दो राजधानियां थी। पहली राजधानी इसकी साकेत थी और दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी। तो इसके ऑप्शन में दिया हुआ है कौशल का श्रावस्ती। इस तरह से इसका सही मिलान होगा, इसका सही आंसर ए नंबर होगा। आगे देखेंगे सेकंड नंबर। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजात शत्रु, क्या होगा? सी ऑप्शन, अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। अगर अजात शत्रु की बात करते हैं तो इनका समय था 492 to 460 BC, अजात शत्रु का समय था। बिंबिसार के बाद यह मगध के सिंहासन पर बैठे थे और अजात शत्रु ने ही अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो किनके कहने पर कर दी थी? तो भगवान बुद्ध के विरोधी थे देवदत्त। क्या नाम है? देवदत्त, जो कि भगवान बुद्ध की विरोधी थे, इनके कहने पर अपने पिता की हत्या इन्होंने कर दिया था। आगे देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा उदयन, उदयन ने ही पाटलिपुत्र अर्थात अभी का समय नाम है पटना नगर की स्थापना किया था। फोर्थ नंबर देखेंगे, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कालाशोक। कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। कालाशोक शिशुनाग के पुत्र था, पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। कहाँ कहा गया है? काकवर्ण नाम इनका दिया गया है पुराणों में। इसने वैशाली को अपना दूसरी राजधानी बनाया था और इसी के समय में यानी कालाशोक के समय में ही बौद्ध संगीति का आयोजन पटना में किया गया था। आगे देखेंगे फाइव नंबर, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। आगे देखेंगे सिक्स नंबर, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे ही सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा था और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें कि पोरस पराजित हो गए थे। इसमें क्या हुआ था? पोरस पराजित हो गए थे और सिकंदर विजयी रहा था। आगे देखेंगे सेवन नंबर, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, यानी सी नंबर। एट नंबर,
पौली ग्रंथों में गौ के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसमें गौ के मुखिया को कहा गया है ग्राम भोजक या भोजक। बी सही आंसर होगा, भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे स्थित है एमपी में। आगे देखेंगे 10 नंबर, नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक महापद्म नंद या इसमें ऑप्शन जो है महानंदित या नंदी वर्धन था। आगे देखेंगे 11 नंबर, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया है? तो अग्रमीज कहा गया है कुषाणों को। सॉरी, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, घननंद को। और घनानंद जो थे वो सिकंदर के समकालीन थे। आगे देखेंगे 12 नंबर, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों द्वारा। 13 नंबर, प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था यूनानियों के द्वारा। दूसरी विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था यूनानियों के द्वारा। 14 नंबर देखेंगे, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो ये होगा बी ऑप्शन, डेरियस। 15 नंबर, हाइडेस्पस या बितस्ता का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? तो यह युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे। 16 नंबर देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व और 323 ईस्वी पूर्व। इनकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। सी ऑप्शन होगा, 323 ईस्वी पूर्व इसकी मृत्यु हुई थी और भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व। 17 नंबर, सूची 1 शासक है, सूची 2 वंश है, इसको सही सुमेलित करना है। तो बिंबिसार कौन सा वंश का था? यह हर्यक वंश का था। बिल्कुल सही है। कालाशोक था शिशुनाग वंश का। महापद्म नंद जो कि नंद वंश का संस्थापक भी था, महापद्म नंद, और बिंदुसार मौर्य वंश का था। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। और इन्हें अमित घात या शीर्षेन के नाम से भी जाना जाता था और यह महान सम्राट अशोक का पिता भी था बिंदुसार। बिंदुसार का समय काल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 298 बीसी से 272 बीसी इनका समय काल था। आगे देखेंगे 18 नंबर, महाजनपद सूची 1 में है, महाजनपद सूची 2 में है आधुनिक क्षेत्र, इसे भी मिलान करना है। क्या है? मगध जो महाजनपद था इसका क्षेत्र था गया जिला एवं पटना एवं गया जिले का क्षेत्र महाजनपद के अंतर्गत आता था। वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध का क्षेत्र, अवंती मालवा का। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। 19 नंबर देखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। 20 नंबर, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह सबसे पहले चयन किया गया था उदयन द्वारा, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। 21 नंबर, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में मिलती है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन कौन सा राजा था? घननंद। 23 नंबर,
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो मगध का उत्कर्ष हुआ था, यानी कि महाजनपद का में मगध का वो उत्कर्ष हुआ था, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसके प्रथम शासक कौन थे? हर्यक वंश के शासक था। और इसका हर्यक वंश का समय क्या था? 545 BC से 412 BC में। प्रथम राजा, हर्यक वंश का प्रथम राजा बिंबिसार था और इसकी राजधानी ग्रीवरज या राजगीर थी। इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। आगे देखेंगे 24 नंबर, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो किस कारण से सिकंदर भारत में आक्रमण करने में सफल हुआ था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ए नंबर है, फर्स्ट नंबर है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। जब तक भारतीयों का सहयोग नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आक्रमण नहीं कर पाएंगे। चौथा नंबर है, वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। इस तरह से इसका सही आंसर डी होगा। आगे देखेंगे 25 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में दिया हुआ है राजा, सूची 2 में दिया हुआ है राज्य। तो ए नंबर है प्रघोत, ये कहां के राजा थे? इसका होगा सीन। तीसरा नंबर अवंती, उदयन, ये कहां के राजा थे? मगध। प्रसेनजीत, ये कौशल के राजा थे। अजात शत्रु मगध के राजा थे। उदयन मगध के नहीं, उदयन वत्स के राजा थे। इस तरह से होगा ए का तीसरा, प्रघोत अवंती का, फिर से देख लीजिए, प्रघोत अवंती का, उदयन वत्स का, प्रसेनजीत कौशल और अजात शत्रु मगध का। इस तरह से इसका सही आंसर होगा सी नंबर। आगे देखेंगे 26 नंबर, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहां खोदी गई थी? तो नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी कलिंग में। हाथी गुफा अभिलेख है जिसमें कि खारबेल के राज्यों का इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। क्या है? खारबेल के राज्य का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है। इसके अनुसार महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण कर जिन सेन की मूर्तियां उखड़वाई एवं कलिंग में ही एक नहर खोदवाने का आदेश दिया था। तो इसका सही आंसर होगा कलिंग में। आगे देखेंगे 27 नंबर, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। तो यह शासक था डेरियस। 28 नंबर देखेंगे, 28 नंबर, मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा? तो यह होगा बजी संघ या वैशाली। वैशाली के राजा के साथ इनका सदैव युद्ध रहा था। 29 नंबर देखेंगे, बजी संघ के विरोध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथमुशल तथा महाशिला कंटक नाम गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो यह किया था अजात शत्रु। 30 नंबर, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घननंद। 31 नंबर, भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्का का प्रचलन किया गया था 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में पहली बार कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान में 1770 ईस्वी में जारी किया गया था। अगर पहली बार कागजी मुद्रा पूछे तो यह होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 ईस्वी में जारी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सोना चांदी तांबा शीशे ये सब का सिक्का चलाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 6वीं शताब्दी में ही सिक्कों को पुराण या पन्ना कहा जाता था। 6वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था? सिक्कों को पुराण तथा पन्ना कहा जाता था। आगे देखेंगे 32 नंबर, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इनमें से सही ऑप्शन होगा सी नंबर, अजात शत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। 33 नंबर,
छठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। आगे देखेंगे 34 नंबर। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो यह भेजा था अवंती। कहां भेजा था चिकित्सा को? अवंती। 35 नंबर। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो यह बना लिया था शिशुनाग, ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग ने। 36 नंबर। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज में कर लिया था? तो अंग का विलय अपने राज में किया था वो था बिंबिसार। 37 नंबर। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया था? तो वो जो राज मगध में विलय नहीं किया था वो था काशी। बाकी के अवंती, वत्स, कौशल सबको अपने राज्य में मिला करके अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। आगे देखेंगे 38 नंबर। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो यह कौन किया था? अजात शत्रु। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था अजात शत्रु। और इन्होंने काशी लिच्छवी के अतिरिक्त इसके बाद और बज्जी, कोसल ये सब का भी अपने राज्य में मिला लिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। 39 नंबर। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो यह होगा पुरानों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, तो ये गलत है। इस तरह से इसका तीनों ऑप्शन है ए, बी, सी, जो कि मगध साम्राज्य के संबंध में गलत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं सही है। आगे देखेंगे 40 नंबर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, नंद वंश का शासक था जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था और शासक थे घनानंद। 41 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? तो उस टाइम सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था मगध। और मगध का सर्वाधिक शक्तिशाली होने का वजह क्या है? तो इसका विस्तार जो मगध का था, जो कि वर्तमान का गया पटना का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, इसके उत्तर में गंगा था, पश्चिम में सोन था एवं दक्षिण में जंगलाच्छादित पठारी था, मतलब जंगलों से भरा हुआ पठारी था। इस तरह ये तीनों तरफ से घिरे हुए थे और इसलिए इसका विकास सबसे ज्यादा हुआ और यहाँ का भूमि भी उपजाऊ था, कृषि भी अच्छी होती थी, इसलिए सबसे ज्यादा विस्तार मगध का ही हुआ था। आगे देखेंगे 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला, ईरानियों के छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ये सारा सही है, इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। 43 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो यह होगा डी नंबर इसका ऑप्शन, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये बिल्कुल गलत है। 44 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मगध में नहीं थी, बाकी के तीनों ऑप्शन में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उस टाइम थी। 45 नंबर। निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला को सेनिया कहा जाता था? तो पूछ रहा है क्वेश्चन, किसने नियमित और अस्थायी सेना रखा था? तो यह था बिंबिसार, बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। 46 नंबर। निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो यह अग्रसेन कहा जाता था महापदम नंद को।
आगे देखेंगे 47 नंबर, डेरियस। डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उससे इसको राजस्व प्राप्त होता था 360 टैलेंट। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो वो इतिहासकार नहीं था हेरोडोटस। 49 नंबर, महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठेन। गृहपति का अर्थ है, तो गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। आगे देखेंगे 51 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये होगा अष्टकुलक। अष्टकुलक क्या होता था? परामर्शदायी संस्था, महामात्र यह होता था उच्च कोटि के अधिकारी, बलिसाधक, बलिसाधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। शौलिकिक, शौलिकिक क्या होता था? शिल्पियों व व्यवसायों से शुल्क या चुंगी वसूलने का अधिकारी। इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। 52 नंबर, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया था? तो यह कौन थे? यह था अजातशत्रु। अजातशत्रु का भी पुत्र ने इसे मार दिया था। 53 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह पहला गणतंत्र था वैशाली विश्व का, और यह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। और वैशाली क्या था? बज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। क्या थी? बज्जी का राजधानी वैशाली थी, और यह वर्तमान के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा, सारण, ये सब वर्तमान के ये सब क्षेत्र को ही बज्जी संघ में आता था। और इसकी सीमा जो थी, यानी कि बज्जी संघ की जो सीमा थी, वो नेपाल की तराई तक विस्तृत थी। और बज्जी संघ के सबसे प्रबल सदस्य यानी सबसे शक्तिशाली कौन था? लिच्छवी राज था। आगे देखेंगे 54 नंबर, महाजनपद है सूची 1 में, सूची 2 में इसकी राजधानी है, तो दोनों को सुमिलित करना है। कुरु, कुरु क्षेत्र की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। ए का क्या होगा? डी नंबर। और कुरु जो है आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र है, और इंद्रप्रस्थ है जो दिल्ली को कहा जाता था। आधुनिक दिल्ली का क्षेत्र इंद्रप्रस्थ है, कुरु की राजधानी थी दिल्ली। दूसरा है पांचाल, पांचाल जो कि आधुनिक पश्चिम यूमी यूपी का क्षेत्र है, तो पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। तीसरा ऑप्शन है कोसल, कोसल की दो राजधानियां थी, एक थी इसकी राजधानी साकेत और दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती। कोसल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत, प्रसेनजीत कोसल के राजा थे। डी ऑप्शन है वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। इस तरह से इसका सही मिलान है बी नंबर। आगे देखेंगे 55 नंबर, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ जो कि अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में ही गौतम बुद्ध एवं उनके शिष्यों के द्वारा दिए गए हजारों उपदेश का संग्रह है। क्या है अंगुत्तर निकाय? गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, हजारों उपदेश दिए गए हैं, उसके संग्रह है अंगुत्तर निकाय। इस तरह से आज का कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, एवं अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।